तीन राज्यों की दवा कंपनी सील कर दी गई है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 20 लाख की दवा जब्त की थी, लेकिन दवा की पूरी खेप नकली पाई गई। जब्त दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं और दवा नकली निकली है। सारी दवा गौतम मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान जब्त की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो दवा की खेप नकली निकली है। जब्त दवाओं को गौतम मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, क्या और जानकारी दे पा रहे हैं? कितनी 20 लाख की दवाएं जब्त की गई हैं जो नकली पाई गई हैं, मतलब इतनी बड़ी तादाद में नकली दवाओं को जो ग्रसित लोग हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको दिया जा रहा था। देखिए, जयपुरी स्थित गौतम मेडिकल स्टोर पर ड्रग और फूड की जो टीम है उसने वहां पर छापा मारा था और वहां से करीबन 20 लाख की दवाइयां जब्त की गई थी। जब्त करने के बाद जब उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो उसमें जो सारी जो दवाइयां हैं वो नकली पाई गई है। इसके अलावा इसमें एक बात का खुलासा हुआ है कि हिमाचल से जो सारी दवाइयां हैं वो बनकर आई थी और वहीं से उसमें कुछ हेर फेर किया गया है। नहीं, ये तो किन किन कंपनियों की ये दवाइयां बताई जाती हैं और किन किन प्रदेशों में इनकी कंपनी स्थापित है जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये दवाओं की सप्लाई हो रही थी? देखिए, हिमाचल प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां से ये दवाइयां आई थी और किस कंपनियों की ये दवाई है उसकी पूरी जांच जो ड्रग विभाग की टीम है वो अभी कर रही है। हालांकि फिलहाल अभी जब्त किया गया है और सैंपल जो आया है उसके मुताबिक जो सारी दवाइयां हैं करीबन 20 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, सभी दवाइयां नकली पाई गई है और अभी स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो अब कार्रवाई के लिए इसमें लगे हुए हैं। समीक्षा यहां पर की जा रही है कि क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाए। चलिए, आप बने रहिए, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। तो